नमस्कार, प्रणाम, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। गर्दा उड़ा करके भैया वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। वीडियो को शुरू से अंत तक देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, बुझ लीजिएगा, उसके बाद अपना ज्ञान कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। कल भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह जी का भैया न्यूज 18 बिहार झारखंड में इंटरव्यू चल रहा था, और इंटरव्यू भैया बड़ा ही तेजी से वायरल हो रहा है। सभी लोग उस इंटरव्यू पे अपना प्रतिक्रिया दे रहे हैं। लेकिन पवन सिंह और खेसारी लाल यादव के बीच में विवाद क्यों होता है, इसके बारे में जब पवन सिंह जी को पूछा गया तो पवन सिंह जी ने भैया महेश पांडे को टारगेट कर दिया। और यूट्यूबर के बारे में क्या बोला नहीं बोला, महेश पांडे यूट्यूबर के बारे में आपको सुनाएंगे। उससे पहले आपको बता दें, पवन सिंह जी, खेसारी लाल यादव जी, दोनों का भैया गाना ट्रेंडिंग में ट्रेंड कराइए, भोजपुरी के लिए गर्व की बात है भैया। और खेसारी लाल यादव जी का आज भी एक गाना रिलीज किया गया है सटला से, सुजय म्यूजिक वर्ल्ड पे। गाने को नहीं सुना तो जाके सुनिए, भरपूर प्यार दीजिए, बड़ा ही प्यारा, जबरदस्त, बेस्ट, बेहतरीन गाना है। और सुन चुके तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि भैया वो गाना कैसा लगा। महेश पांडे के कैसे टारगेट करके क्या बोले पवन सिंह, सुनिए। अरे जौन बीच में किनारे कुछ कुछ हमारे यूट्यूबर भाई जो है, हमारे बड़ी मतलब क्या बोले, हमारे बहुत दुलारे लोग हैं, मत उसमें गैस भरो कि एडजस्ट ना हो पाए, ऐसा कुछ नहीं है, हम सब एक परिवार है। तो जी हाँ, ये बात मुझे लगता है साफ साफ महेश पांडे को बोला जा रहा है कि गैस ना भरो, अनपच हो जाई, इस टाइप से पवन सिंह जी ने बोला है। तो महेश पांडे और पवन सिंह के बारे में आपका राय क्या है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यूट्यूबर के बारे में बोले तो भैया एक ही गो पवन सिंह के नजर में यूट्यूबर है महेश पांडे जी हाँ, जो कि हकीकत बात बोलते हैं, सच्चाई बात बोलते हैं। फिर भी सबका देखिए भैया अपना अपना सोच होता है, तो पवन सिंह को लगता है कि नहीं, सच में मुझे वो नीचा दिखाते हैं। भले खेसारी लाल यादव कोई नीचा दिखाता है तो पवन सिंह को फर्क नहीं पड़ता है, समझे ना। तो बहुत सारे इस तरह बात है भैया, खैर उसमें वो कोई लेना देना नहीं है। पवन सिंह जी और खेसारी महेश पांडे जी के बारे में आपका क्या राय कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगली वीडियो शेयर कीजिएगा, आपका राय क्या कमेंट बॉक्स में बताइए। फिर मिलता है अगली वीडियो में, धन्यवाद। आई लव यू, जय जय श्री राम।